बीकानेर हाउस की रंगत अब जल्द ही बदलने वाली है। पिछली सरकार ने इसे ऐतिहासिक धरोहर के बिल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियों को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इसकी पुरानी रंगत खत्म होने लगी थी। अब गहलोत सरकार ने बीकानेर हाउस को व्यावसायिक गतिविधियों से मुक्त कराकर पुरानी ऐतिहासिक पहचान वापस दिलाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। देखें रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में बेहद ही संजीदा है, फिर चाहे वो धरोहर राजस्थान में हो या फिर राजस्थान के बाहर। अब गहलोत सरकार बीकानेर हाउस को फिर से पुरानी पहचान में वापस लौटाना चाहते हैं। सरकार इस बिल्डिंग में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने जा रही है। दिल्ली के प्राइम लोकेशन इंडिया गेट के बिल्कुल पास स्थित बीकानेर हाउस को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आजादी से पहले की बनी इस बिल्डिंग में अंग्रेजी हुकूमत के वायसराय की बैठकें बीकानेर हाउस में हुआ करती थी। कई सुनहरी यादों को समेटे बीकानेर हाउस में पिछली वसुंधरा सरकार ने कल्चरल एक्टिविटी से ज्यादा व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। 12 से ज्यादा सरकारी विभागों के दफ्तर को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया, बाकी बिल्डिंग को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए खोल दिया गया। सीएम बनने के बाद अशोक गहलोत 3 बार बीकानेर हाउस का दौरा भी कर चुके हैं। सीएम की मंशा है कि इस ऐतिहासिक प्रॉपर्टी पर केवल सरकार का हक होना चाहिए। तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए सीएसडीपी गुप्ता ने आवास के आयुक्त समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। गहलोत सरकार ने कई दशकों के विवाद को खत्म कर उदयपुर हाउस की बेशकीमती प्रॉपर्टी को दिल्ली सरकार से वापस लिया। ये हमारा अभी क्या है कि जो BHMS है, बीकानेर हाउसिंग मैनेजमेंट सोसाइटी, उसके मेंबर्स का नॉमिनेशन नहीं हुआ है। वो किसी भी समय अब नॉमिनेशन मैं समझता हूँ दिसंबर से पहले हो जाएगा, उसके बाद हम जनरल बॉडी की मीटिंग करके उसमें निर्णय लेंगे। ये नीतिगत बीकानेर हाउस में प्रशासनिक कार्यालय DPR और टूरिज्म डिपार्टमेंट को मुख्य बिल्डिंग में शिफ्ट करने के अधिकारियों को सुझाव दिए गए। बिल्डिंग में 8 गैलरी बनना प्रस्तावित है, ताकि पुरानी बिल्डिंग के रखरखाव और उसके नए रेनोवेशन और डिजाइन पर पर्यटकों को लाया जा सके। सीएसडीपी गुप्ता के मुताबिक बीकानेर हाउस का खर्चा चलाने के लिए कल्चरल एक्टिविटी तो जारी रहेंगी, लेकिन व्यवसायिक गतिविधियां बंद की जाएंगी। ये काम 2021 तक पूरा होने की उम्मीद। पहली प्राथमिकता ऑफिसेज को चलाना और यहाँ की कल्चर को प्रमोट करना, ये 2 इसके प्रमुख उद्देश्य थे बीकानेर हाउस के, तो वो हमारी प्राथमिकता अब भी रहेगी। फिर जो साइट की जरूरी एक्टिविटीज हैं, उतनी इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल एक्टिविटी, उसको रन करने के लिए कमर्शियली, मतलब उसका पैसा सरकार के ऊपर बोझ नहीं बने, उस तरह से चलाने के हम एक इस तरह का मॉडल रखेंगे। बीकानेर हाउस न केवल प्रदेश का राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर समेत भव्य इमारत भी है। पिछली सरकार के फैसले से उलट गहलोत सरकार इस बिल्डिंग में व्यवसायिक गतिविधियों से मुक्त करवाएगी, ताकि इसकी पुरानी पहचान कायम रह सके। मनोहर विश्नोई, Zee Media, दिल्ली।